बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम जो आपका होने वाला है, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में मदद करेंगे। जनरली होता क्या है, हम पूरी साल भर बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन यह याद रखिए जैसे जैसे हमारे पास परीक्षा पास आती जाती है, हमें यह ध्यान देना होगा हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करेंगी। और जब हम किसी भी एग्ज़ाम में सफलता की बात करते हैं तो सबसे की फैक्टर जो होता है वो होता है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस, ये बहुत फेमस कहावत है। तो जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हमारा स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं होगा हमारे पास। तो हमें सबसे पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी एग्ज़ाम का कोई स्ट्रेस ना लें, ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले कि हम अपने जितने पेपर में जितने सेगमेंट होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, उनको डिस्कस करें, उससे पहले हम बात करेंगे किस प्रकार से हम अपने आप को मानसिक तौर पर आगामी परीक्षा के लिए तैयार रखें। तो ध्यान रखिए सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमें पढ़ाई को टुकड़ों में नहीं करना है। हमें हमारी जो स्टडी है वो रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर एंड डेली स्टडी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। हमें बिट्स एंड पीसेस में अपनी स्टडी को नहीं करना है, हमें रेगुलर मतलब सतत रूप से एक रोज़ एक टाइम शेड्यूल तय कीजिए कि हमें इतने घंटे हमें अंग्रेजी को देना है और उसको किसी भी कीमत पर हमें छोड़ना नहीं है, या खुद से कमिटमेंट करिए आप, ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रैक्टिस बाय राइटिंग। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, हमने ऐसे याद कर लिया, एप्लीकेशन याद कर लिया, लेकिन व्हाट वी डू नॉट प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो संभावना ये होती है कि हमसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, खासकर इसलिए चूँकि अंग्रेज़ी एक फॉरेन लैंग्वेज है और हम बचपन से चूँकि इसको कठिन समझते आए हैं, होती नहीं है कठिन, हम समझते आते हैं, तो हम स्पेलिंग और ग्रामर से संबंधित एरर बहुत करते हैं। इनको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो भी हमने याद किया है उसको लिख के जरूर देखें, और ये लिखने का कॉम्बिनेशन आने आने वाले दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स में भी आपको काम आएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम पिछले साल के जो हमारे स्टेट लेवल के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन लोगों ने टॉप किया था, एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर उनकी कॉपी पड़ी हुई है, आंसर शीट पड़ी हुई है, उनको मोबाइल में अपलोड कीजिए या प्रिंट कीजिए। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख लिख के, उस प्रैक्टिस को उन स्टूडेंट की कॉपी से मिलान कीजिए, फिर ये देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जब ऐसा आपको समझ में आएगा गलती कहाँ हो रही है, और अगर आपसे भी नहीं हो रहा है तो आप अपने टीचर्स के पास जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, इवन जो आपके अच्छे मित्र हैं और अंग्रेजी विषय में अच्छे हैं उनसे भी आप गाइड ले सकते हैं कि भाई हमें कहाँ दिक्कत आ रही है। इससे होगा क्या कि आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं उनको आपको सुधार करने में हेल्प मिलेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है टाइम मैनेजमेंट। देखिए हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे होगा क्या, एग्जाम में कई बार क्या होता है हम बहुत जल्दी, या तो बहुत जल्दी में लिखते हैं तो गलती होती है, या हम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस की महत्व है वो टाइम मैनेजमेंट में है। हमें सारी चीज़ें 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म करना होती है, तो पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और इस बात का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, प्रैक्टिस अगर हमने राइटिंग की है तो एक बार घर पर हम घड़ी रख कर भी एक बार पूरे पेपर को हल करने की कोशिश कीजिए, पुराने जो हमारे पास पेपर पड़े हों उनसे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद टाइम मैनेज करिए कि इस पोर्शन को हमें इतने भागों में इतने टाइम लिमिट में ख़त्म करना है। ये तो हो गई पूरे एक एग्ज़ाम को। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारा एग्ज़ाम जो जो करीब आ रहा है तो हम पर स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस किसी तरह का नहीं लेना है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, स्ट्रेस लेने से परेशानी बढ़ेगी कम नहीं होती, इसलिए स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देना है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो कितने सेगमेंट में या कितने उसके साइलेंट फीचर हैं, यानी कितने प्रोमिनेंट या महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इंग्लिश का वो कुल 4 हिस्से में बटा हुआ है। पहला है रीडिंग सेक्शन, इसमें आपसे 2 अनसीन पूछे जाएंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो आएंगे 1 अनसीन में वो MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। दूसरा सेक्शन जो होता है वो राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, राइटिंग सेक्शन में जो है नोट मेकिंग रहेगी, राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग रहेगी, पैराग्राफ राइटिंग रहेगी, रिपोर्ट राइटिंग रहेगी और ऐसे राइटिंग रहेगी। इतनी चीज़ राइटिंग सेक्शन कवर करता है। तीसरी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है हमारा ग्रामर सेक्शन, इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन फिलर के रूप में रहते हैं और 5 क्वेश्चन डुएस डायरेक्टेड के रूप में रहते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स हमारी दो हैं, ऐसा ये आप सब लोग जानते होंगे कि 2 टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी, एक मेन बुक है एक सप्लीमेंट्री, और दोनों में अपना महत्व है, दोनों के मार्क्स भी हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न या सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं इन्हीं इसी सेक्शन में से आते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब हम हर सेक्शन को किस प्रकार से तैयार करें और
कितने स्मार्टली या किस तरह की टिप्स हमें ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन की, जहां दो कंप्रेहेंशन पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक कंप्रेहेंशन दे रखा है जिसमें दो क्वेश्चन भी दिए हैं, एक वेयर से स्टार्ट है और एक विच से स्टार्ट है। तो देखिए होता क्या है कि जहां हम कंप्रेहेंशन पढ़ते हैं और सीधा आंसर देना शुरू कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले हमें कम से कम दो बार उस कंप्रेहेंशन को अच्छे से पढ़ना है और जो उसके की पॉइंट हैं या आपको लगता है कि ये चीज़ें इसमें ज़्यादा अच्छे से बताई गई उनको आप अंडरलाइन करिए। उसके बाद प्रश्न पढ़िए और जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं तो देखिए कि क्या वो प्रश्न उन अंडरलाइन वर्ड के आसपास है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं अनसीन पैसेज में किसी कंप्रेहेंशन में। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो होता है आपकी जो बोधगम्यता या आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए यस या नो में उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। जनरली ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना वो बेटा हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूछे जाते हैं, जैसे वॉज ही प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसका आंसर यस और नो में होगा, तो ये फैक्चुअल चीज आपको पेपर में दी होगी। दूसरे होते हैं और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं डब्ल्यू एच शब्द से प्रारंभ होने वाले शब्द, जैसे वॉट, हुम, व्हेन, वेयर। और इस बात को अच्छे से समझिएगा, एक मिनट का टाइम देके, कि इन प्रश्नों के अगर उत्तर हमें खोजना है तो कैसे खोजें। मान लीजिए अगर हु से प्रश्न पूछा गया है तो याद रखिए कि हु के साथ जो क्वेश्चन में क्रिया कनेक्टेड है उस क्रिया को आप अनसीन पैसेज जो आपका दिया है उसमें सर्च कीजिए और देखिए कि ये, याद रखिए हु का जो आंसर है वो व्यक्ति के रूप में होता है, यानी सजीव व्यक्ति उसका आंसर होगा। दूसरी चीज़, ये हमेशा सब्जेक्ट होता है यानी क्रिया के पहले आता है, तो आपका आंसर उस क्रिया के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो वो होगा। इसी प्रकार से व्हाट, व्हाट का आंसर जो है व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये ऑब्जेक्ट यानी क्रिया के बाद जो संज्ञा या सर्वनाम आती है उसका आंसर आपको मिलेगा, यानी इसका आंसर आपको क्रिया के बाद मिलेगा कर्म के रूप में। वेयर का जो आंसर है वो स्थान के रूप में मिलता है, व्हेन का आंसर आपको समय के रूप में मिलता है, विच का आंसर आपको, चूंकि ये विकल्प को दर्शाता है तो व्यक्ति या वस्तु कोई भी चीज़ हो सकती है। वाय, यदि कोई कारण वर्णित किया गया है, देयर फोर, सो, बिकॉज, इन शब्दों की मदद से हम वाय का आंसर कंप्रेंशन में ढूंढ सकते हैं। हाउ, हाउ का आंसर पद्धति, कोई घटना कैसे घटी, क्यों, किस प्रकार से कोई चीज़ की गई, वहाँ हमको मिलेगा। अब मैं आपको पिछली स्लाइड पर ले जाकर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है वेयर आर द हिमालयाज इन इंडिया। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो ये कि वेयर वाला क्वेश्चन है यानी इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा। दूसरी चीज़ वेयर का है तो मैंने आपको भी क्या बताया था कि वेयर का आंसर स्थान के रूप में होगा। तो अगर हम कंप्रेहेंशन को पढ़ते हैं तो पहली लाइन ही पढ़िए आप, द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत में कहाँ है, इन द नॉर्थ, तो हमारा आंसर नॉर्थ और नॉर्थ जगह को इंडिकेट करने वाला शब्द है। इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया हम इन शब्दों को जज करके और इन शब्दों के आंसर को जज करके हम अपने आंसर को परीक्षा में या कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है नोट मेकिंग, और याद रखना बच्चों ये तय करना पहले तो कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। ध्यान रखिएगा हमें इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन होते हैं उनको आपने एक निश्चित फ्रेमवर्क में लिखा है तो उस फ्रेमवर्क की भी मार्किंग होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने का तरीका समझ लीजिए। सबसे जब हम जिस इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा सबसे ऊपर जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर एक्स वाई जेड जो भी हो, वैसे ये सामान्यतः दूसरे नंबर का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला होता है टाइटल, टाइटल का मतलब होता है उस पैराग्राफ या उस पैसेज में जो कुछ कहा गया उसकी थीम या सेंट्रल आइडिया। ठीक, अब हमें जो मैंने जिस तरह से आपको पैटर्न बताया उस पैटर्न में लिखना है। अब लिखना कैसे है ये समझिए, मैं जनरली आप लोग क्या कीजिएगा, तीन से ज़्यादा हेडिंग किसी भी नोट मेकिंग में ना बनाइएगा। ठीक, अगर कंप्रेहेंशन बड़ा है तो तीन, और अगर मीडियम या थोड़ा छोटा है तो आप दो हेडिंग से भी काम चल सकता है, लेकिन उसका पैटर्न जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब पहले आते हैं कि पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग, इन हेडिंग को हम बनाएं कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, जैसे हमने पूरे पैराग्राफ का टाइटल लिया था तो उसी तरह से हमको अपने कंप्रेहेंशन को फिलो के हिसाब से तीन हिस्सों में बांट, मान लीजिए आपको तीन हेडिंग बनानी, तो अपने कंप्रेहेंशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट।
अब जो पहली हेडिंग है वो पहले हिस्से का टाइटल समझ के मान लीजिए कि वो पहले हिस्से का टाइटल है। उसके बाद उसकी सब हेडिंग मतलब उन तीन या चार लाइनों में जो मुख्य की पॉइंट है वो आपकी सब हेडिंग होंगी। उसी प्रकार से दूसरे पार्ट की हेडिंग जो होगी वो दूसरे पार्ट में से बनेगी और उसके जो कीवर्ड हैं वो 2.1, 2.2 और 2.3 होंगे। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट की हेडिंग। तो उम्मीद है आपको नोट मेकिंग समझ में आई होगी। और याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ के नहीं आना है। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं यहाँ लिखना एक्चुअली भूल गया, अगर आप एब्रीविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्रीविएशन होता है जब हम बड़े बड़े शब्दों को शॉर्ट में लिखते हैं, अगर आप हेडिंग या सब हेडिंग में एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आपका हेडिंग्स खत्म होती है नीचे उन एब्रीविएशन का मतलब क्या है वो जरूर लिखना। जैसे गवर्नमेंट के लिए अगर आपने GOVT यूज किया है तो नीचे लिखिए गवर्नमेंट डैश फिर गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी लिखिए। अगर आपने इम्पोर्टेंट के लिए IMP यूज किया है तो इम्पोर्टेंट को डिफाइन भी कीजिए कि इम्पोर्टेंट का मतलब मेरा यहाँ था। अगले सेगमेंट में चलते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा 4 नंबर का, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है वो 4 नंबर की आती है। और याद रखिए, 2 प्रकार के पत्र होते हैं हमारे, एक तो होता है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब ये पत्र हम अपने मित्र संबंधी या रिश्तेदारों को लिखते हैं, इसमें भाषा की औपचारिकता नहीं रहती, अनौपचारिक भाषा होती है। दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, ये किसी अधिकारी अथवा संस्था को संबोधित करके लिए जाते हैं। जैसे आप लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं, हम लोग जब हैं तो अपने जो हमारे जो बॉस हैं हम उनको लिखते हैं, या किसी संस्था से कोई काम कराना होता है उनको लिखते हैं। इसकी भाषा औपचारिक होती है। औपचारिकता का मतलब होता है कि हमें बहुत कुछ शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। और इन जो पत्र हैं इन पत्रों को हम सामान्यतः आवेदन पत्र के रूप में या एप्लीकेशन के रूप में जानते हैं। और एक बात फिर याद रखना, ये भी राइटिंग पैटर्न वाली चीज़ है, तो इसका फॉर्मेट भी हमें ध्यान रखना है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से फॉर्मल लेटर को हम एक फ्रेमवर्क में तैयार कर सकते हैं। आपके सामने ये फॉर्मल लेटर का एक पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं 2, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि किस प्रकार से चीज़ों को लिखना है इसी फ्रेमवर्क में। और हमें याद रखिएगा, एक सिमिट्री यानी सम्मिति जरूर हमें पत्र की याद रखना है। ऐसा ना हो कि हमारी चीज़ें आगे पीछे हो जाएं, हम एड्रेस कहीं लिख रहे हैं और जो लेटर की बॉडी वो कहीं हो रही हो, इससे आपके नंबर जो है फ्रेमवर्क के नंबर कट जाएंगे। देखिए, हर पार्ट्स का एक निश्चित मार्क डिवाइड है, एक स्कीम है। तो ऊपर वाले पार्ट में जो एड्रेस है और सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है जब हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, सर या मैडम, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। तो इस पूरे स्कीम का एक नंबर है। जो बीच का जो पार्ट होता है लेटर का उसको बॉडी कहते हैं। उस बॉडी के या मेन आइडिया या सेंटर जो हम कहना चाहते हैं उसके 2 नंबर है। नीचे जो थैंक्स है और हम जो सेंडर्स का नेम है और डेट है हम उसका 1 नंबर। तो याद रखिएगा, हमें इसी पैटर्न में अपनी चीज़ों को लिखना है। अगली जो बात करेंगे हम वो करेंगे सबसे महत्वपूर्ण। अब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ MCQ एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये MCQs हमारे किस प्रकार के आते हैं, 4 तो आते हैं पाठों में से, जो पोयम और प्रोज दोनों में, लेसन और पोयम दोनों में से हैं। दूसरी 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, मतलब पार्ट में से छांट के पैसेज पूछे जाएंगे जो उनमें से आपके MCQs रहेंगे, प्लस 2-2 नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर हमने इनको अटेम्प्ट कर लिया तो हमारी बहुत कुछ समस्याएं क्वेश्चन से संबंधित हल हो जाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जिन लोगों को अगर लंबे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने में समस्या आती है, तो वो याद रखिए वो अपना फोकस MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर करें। और इनको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होता। इनको याद रखने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, नंबर 1, रीड एंड लर्न द स्टोरी ऑफ द लेसन एंड द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स इन योर लैंग्वेज। जो आपने पाठ पढ़ा है या पोएम पढ़ी है उसकी स्टोरी अपनी भाषा में याद रखिए, अपने तरीके से याद रखिए, हिंदी में रखें, अंग्रेजी में रखें, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक थीम उसकी आपको याद होना चाहिए कि पाठ में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, पोएम में क्या कहा गया है, क्या कहना चाहता है कवि, ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए बिल्कुल बाय हर्ट। ये बहुत अच्छे से हमें याद होना चाहिए ये चीज़। ध्यान रखिएगा, क्या होगा इससे, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है
तो कम से कम हम ये सोचकर उसके आसपास का आंसर फिर भी लिख सकते हैं तो हमारे पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे। ना लिखने से अच्छा है कि हम अगर थोड़ी गलतियों के साथ एक क्वेश्चन लिखेंगे, अप्रोच करेंगे, तो इसका मतलब हमें उस क्वेश्चन का आइडिया था और टीचर्स कुछ मार्क्स तो उसके दे भी देंगे। दूसरी याद रखने वाली चीज़ है कि हमें लर्न एंड मेमोराइज द कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर्स, हमें उस पार्ट के बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को भी याद रखना है। उससे मदद कहाँ मिलेगी, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन भूल गए जो आपने याद किया है लेकिन आपको उस पार्ट की कहानी पता है और महत्वपूर्ण शब्दावली पता है तो आप उसका आंसर बना के लिख सकते हैं। जो दो नंबर का क्वेश्चन आता है वो केवल 30 शब्द में लिखना पड़ता है। 30 शब्द मतलब दो लाइन का आंसर है, तो दो लाइन के आंसर में आपको अगर शब्द याद हैं और अगर कहानी याद है तो आप आसानी से बनाकर लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, लर्न एंड मेमोराइज द नेम ऑफ द राइटर्स और पोएट्स ऑफ ऑल द लेसन एंड पोएम्स। याद रखिएगा दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन MCQs के रूप में इस तरह से आते ही आते हैं, जहां आपको जो पैसेज दिया रहता है पाठ का या पोएम का उसमें से आपको ये पूछा जाता है कि ये जो पोएम है वो किस राइटर ने लिखी या किस पोएट ने लिखी या ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस पार्ट से लिया गया। तो याद रखिएगा हमें सारे पार्ट के नाम याद होना चाहिए और उनके राइटर या पोएट भी याद होना चाहिए, इससे हमारे 2 या 3 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है, डू पीयर लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अब ये पीयर लर्निंग जरा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये दो दो नंबर और MCQs के लिए ब्रह्मास्त्र होती है। पीयर लर्निंग माने होती है अपना एक अच्छा साथी, अपना मित्र चुनिए जिसके साथ आप अपनी पढ़ाई को शेयर कर सकें। उसके बाद जो आपने कहानी लर्न की है, जो कहानी आपने पढ़ी है पाठ की, उसके उस कहानी को उसके साथ डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए और उसके बाद एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कीजिए उन प्रश्नों की जो आपने याद किए हैं। जब हम प्रैक्टिस कर लें उसके बाद एक दूसरे से हम क्रॉस क्वेश्चन करें, आस्क सिंपल एंड वन लाइन आंसर टू ईच अदर। मान लीजिए मेरे साथ कोई एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है संजय, तो मैं एक पाठ की कहानी उसको सुनाऊंगा, फिर आप कहिए कि भाई हाँ अब तुम पाठ से संबंधित क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। यही चीज़ हम उसके साथ भी कर सकते हैं। इस पद्धति से क्या होगा कि आप दोनों को जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो याद रखिए ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको लैंग्वेज के पेपर में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगी। उम्मीद है आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और जहाँ कभी भी थोड़ी सी समस्या है तो अपने टीचर से कभी भी पूछ सकते हैं।